गांधी जी गोलमेज कॉन्फ्रेंस लंदन से वापस लौटे तब तक देश में अंग्रेजों की दमन नीति पूरी तरह शुरू हो चुकी थी। उस समय के वायसराय लॉर्ड विलिंगडन ने कांग्रेस से लड़ाई की पूरी तैयारी कर ली थी। देश में जगह जगह विरोधों और आंदोलनों का सिलसिला शुरू हो चुका था। सीमा प्रांत में पठानों के बीच कांग्रेस के बढ़ते हुए प्रचार से अंग्रेज सरकार के कान खड़े हो गए। पठानों के नेता खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमा प्रांत के चीफ कमिश्नर के दरबार में तलब किया गया, पर वो गए नहीं। खान अब्दुल गफ्फार खान फख्रे अफगान, फख्रे पठान, गांधी सरहद आदि नामों से बुलाए जाते थे। खान अब्दुल गफ्फार खान उस समय सीमा प्रांत की एक ऐसी हस्ती थे जिन्होंने अपने कार्य और निष्ठा के बल पर आश्चर्यजनक लोकप्रियता प्राप्त कर ली थी। सीमा प्रांत के उत्मंजाई में खान बहराम खान के घर जन्मे अब्दुल गफ्फार खान को बचपन से यही सिखाया जा रहा था कि उन्हें अंग्रेज पलटन में भर्ती होना है। वैसे खान बहराम खान ने मुल्ला मौलवियों के विरोध के बावजूद अपने बड़े बेटे को अंग्रेजी तालीम दिलाकर एडिनबरा में डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए तैयार किया था। जाहिर है उन्होंने छोटे बेटे गफ्फार खान को भी मिशन स्कूल में पढ़ाया। युवा अब्दुल गफ्फार खान अभी अंग्रेजों की पलटन में अफसर बनने का सपना ही देख रहे थे कि एक दिन वो घटना घटी जिसने उनके जीवन की धारा बदल दी। युवा गफ्फार अपने एक दोस्त के साथ किस्सा कहानी बाजार में खड़े थे। गफ्फार का वो दोस्त अंग्रेजों की घुड़सवार टुकड़ी में अफसर था। तभी एक अंग्रेज फौजी वहां आया। उसने आते ही गफ्फार के दोस्त को फटकार लगाई। तो तुम भी अंग्रेज बनना चाहते हो? कारण ये था कि गफ्फार का वो दोस्त नंगे सिर था और उसने अंग्रेजों जैसे बाल संवार रखे थे। अंग्रेज अफसर की डांट सुनकर गफ्फार के दोस्त का चेहरा पीला पड़ गया, बस अपमान का घूंट पी कर रह गया। किंतु गफ्फार का दिल विद्रोह कर उठा। आखिर इन अंग्रेजों ने हमें समझ कर रखा है। फिर तो खान अब्दुल गफ्फार खान के जीवन की राह ही बदल गई। उन्होंने सरहदी सूबे में शिक्षा का प्रचार किया, हिजरत आंदोलन में शिरकत की, पख्तून पत्र का प्रकाशन शुरू किया, रॉलेट एक्ट और जलियांवाला हत्याकांड का विरोध किया। उन्होंने खुदाई खिदमतगारों का एक ऐसा संगठन तैयार किया जो गांधी जी की अहिंसा और उनके रचनात्मक कार्यक्रमों को मानता था। खान अब्दुल गफ्फार खान हिंदुस्तान की आजादी के ढांचे के अंदर अपने सीमा प्रांतीय लोगों के लिए भी आजादी चाहते थे। इसके लिए उन्होंने गांधी जी के बताए रास्ते को चुना था। नेहरू जी ने ठीक ही लिखा है, यह ताज्जुब की बात है कि इस पठान ने अहिंसा को हम में से कई लोगों की तुलना में कहीं ज्यादा कैसे मान लिया था। उनकी प्रेरणा से सीमा प्रांत के बहादुर पठानों ने अपने आप पर काबू और जब्त रखने की जो मिसाल पेश की थी वो विलक्षण थी। देश के दूसरे हिस्सों में अंग्रेज शासक किसानों पर जुल्म कर रहे थे और उनसे कहीं ज्यादा लगान वसूल कर रहे थे। इस कारण जगह जगह किसान आंदोलन भड़क उठा था। संयुक्त प्रांत में जवाहरलाल नेहरू, शेरवानी और पुरुषोत्तम दास टंडन किसानों की समस्याओं को लेकर आंदोलन चला रहे थे। पुरुषोत्तम दास टंडन विद्यार्थी जीवन से ही देशभक्ति की धारा में शामिल हो गए थे। सन 1899 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में उन्होंने स्वयं सेवक का काम किया था। फिर 1906 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में प्रतिनिधि के रूप में शामिल हुए थे। महात्मा गांधी के सच्चे अनुयायी होने के कारण टंडन जी का कार्यक्षेत्र केवल राजनीति ही नहीं था, वो सामाजिक और साहित्यिक कार्यों में भी गहरी दिलचस्पी रखते थे। सन 1918 में उन्होंने प्रयाग में हिंदी विद्यापीठ की स्थापना की थी। इलाहाबाद से प्रकाशित अभ्युदय पत्र के अवैतनिक संपादक भी रहे। सन 1930 में उन्होंने केंद्रीय किसान संघ की स्थापना की। किसानों की हालत उन दिनों इतनी खराब थी कि वो लगान की कम से कम राशि देने में भी असमर्थ थे। नेहरू जी के साथ जब टंडन जी ने किसान आंदोलन को तेजी से बढ़ाया तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।
उधर गुजरात के बारदोली में भी किसानों पर जुल्म हो रहे थे। बारदोली में हो रहे अत्याचारों की जांच के लिए सरकार ने एक समिति बनाई, जिसमें सरदार पटेल और भूला भाई देसाई को भी रखा गया। किंतु इस समिति के अंग्रेज सदस्यों ने पटेल और देसाई की एक न चलने दी। जांच समिति सिर्फ दिखावा बनकर रह गई। सरकार का किसानों के साथ सख्ती का बर्ताव बना रहा। इस बीच क्रांतिकारी दल भी बड़ी तेजी से सक्रिय था। बंगाल में इन क्रांतिकारियों का बहुत जोर था। वहां क्रांतिकारी आंदोलन शहरों की सीमाएं पार करके गांव के मध्यम वर्गीय नौजवानों में फैल गया था। ढाका, मेदिनीपुर, 24 परगना आदि अनेक स्थानों में क्रांतिकारी गतिविधियां चल रही थीं। ब्रिटिश सरकार उन्हें दबाने के लिए बुरे से बुरा व्यवहार कर रही थी। इसके अलावा झांसी, मेरठ, बिहार, बंबई आदि में भी क्रांतिकारियों ने अपनी गतिविधियां तेज कर दी थी। ब्रिटिश सरकार ने दमन चक्र चलाने के लिए पूरी तरह से कमर कस ली थी। एक साथ कई ऑर्डिनेंस जारी कर दिए गए, जिससे पूरे देश में चल रही स्वतंत्रता संबंधी गतिविधियों पर अंकुश लगाया जाए। उस समय के राजनीति विशेषज्ञ जानते थे कि लॉर्ड इरविन की तुलना में लॉर्ड विलिंगडन ज्यादा सख्त और निर्दयी व्यक्ति था। लंदन का गोलमेज सम्मेलन सिर्फ दिखावा है, ये वो अच्छी तरह से जानता था। इसलिए अब वो भारतवासियों को इस तरह कुचल देना चाहता था कि वो दोबारा सिर ना उठा सकें। किंतु भारतवासियों के दिल में स्वतंत्रता का तूफान पूरी तरह उमड़ रहा था। वो हर कुर्बानी देने के लिए तैयार थे। कांग्रेस के कार्यकर्ता हर तरह की यातना सहने को तैयार थे। क्या शहर, क्या गांव, सभी जगह आंदोलन जोर पकड़ रहे थे। जवाहरलाल नेहरू और शेरवानी जब गांधी जी से मिलने बंबई जा रहे थे तो उन्हें रास्ते में ही गिरफ्तार कर लिया गया। इलाहाबाद में पुरुषोत्तम दास टंडन को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका था। देश के बिगड़ते हालात देखकर गांधी जी ने भारत लौटते ही वॉयसराय लॉर्ड विलिंगडन को तार भेजकर मुलाकात का समय मांगा। किंतु लॉर्ड विलिंगडन ने साफ तौर पर कह दिया कि बंगाल, सीमा प्रांत, संयुक्त प्रांत आदि में दमन के लिए जो ऑर्डिनेंस जारी किए गए हैं उन पर कोई बात नहीं हो सकती। गांधी जी ने दूसरा तार भेजा कि इन्हीं मुद्दों पर बात करना अनिवार्य है, किंतु लॉर्ड विलिंगडन ने इस बार कोई उत्तर नहीं दिया। 4 जनवरी 1932 को महात्मा गांधी और सरदार पटेल को गिरफ्तार करके पूना के यरवदा जेल भेज दिया गया। सुभाष चंद्र बोस बंगाल जा रहे थे, उन्हें भी रास्ते में गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी ने एक बार फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ करने की घोषणा कर दी थी। इस पर ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस को गैर कानूनी संस्था करार दे दिया। सारे देश में कांग्रेस के दफ्तरों पर छापे मारे गए, वहां सरकारी ताले डाल दिए गए और कागज, फाइलें, रुपया पैसा सब जब्त कर लिए गए। कांग्रेस के हजारों कार्यकर्ता, उनके संबंधी शुभचिंतक तक गिरफ्तार करके जेलों में डाल दिए गए। ऐसे कानून बनाए गए कि किसी को संदेह के आधार पर जेल में डाला जा सकता था। किंतु आश्चर्य तो ये है कि उस समय लोगों के दिल से डर निकल चुका था। शारीरिक यातनाओं की उन्हें परवाह नहीं थी और मौत को वो गले लगाने को तैयार थे। जवाहरलाल नेहरू को गिरफ्तारी के बाद नैनी जेल में रखा गया था। उस समय उनकी पत्नी कमला नेहरू बंबई में बीमार थी, किंतु नेहरू जी की माँ और दोनों बड़ी बहनें बड़े उत्साह के साथ आंदोलन में कूद पड़ी थीं और उन्हें एक एक साल की सजा देकर जेल भेज दिया गया था। उधर यरवदा जेल में सरदार पटेल ने गांधी जी की बहुत सेवा की। तभी गांधी जी ने कहा था, मैंने सरदार पटेल में तो माँ के गुणों के दर्शन किए। अप्रैल 1932 में दिल्ली में कांग्रेस का अधिवेशन होने वाला था। ब्रिटिश सरकार चाहती थी कि अधिवेशन ना हो, इसलिए देश भर से आ रहे प्रतिनिधियों के दिल्ली पहुंचने में बाधाएं उत्पन्न की गईं। देश के अधिकांश नेता इस समय जेल में थे, फिर भी कोई 500 प्रतिनिधि दिल्ली पहुंच चुके थे। इस
दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता मदन मोहन मालवीय करने वाले थे। वो कांग्रेस के उन निर्माताओं में से थे जिन्होंने दूसरे अधिवेशन से लेकर अपनी अंतिम सांस तक स्वराज्य के लिए कठोर तप किया। मालवीय जी हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी में धारा प्रवाह व्याख्यान देते थे। रॉलेट एक्ट के खिलाफ उन्होंने 4.5 घंटे तक और अपराध निर्मोचन के बिल पर 5 घंटे तक निरंतर व्याख्यान दिया था। मालवीय जी जहां राजनीति में सक्रिय थे, वहीं उन्होंने हिंदी के उत्थान और पत्रकारिता के विकास के लिए भी अभूतपूर्व कार्य किए थे। हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रथम अधिवेशन में सन 1910 में उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि एक दिन ये भाषा राष्ट्रभाषा हो सकेगी। फिर सन 1919 में सम्मेलन के बंबई अधिवेशन में अध्यक्षीय पद से उन्होंने कहा था, हिंदी उर्दू का प्रश्न धर्म का नहीं राष्ट्रीयता का प्रश्न है। साहित्य और देश की उन्नति अपने देश की भाषा से ही हो सकती है। एनी बेसेंट के शब्दों में, राजनीति के क्षेत्र में मालवीय जी विभिन्न मतों के बीच भारतीय एकता की मूर्ति के रूप में थे। हिंदू, मुसलमानों एवं अन्य मतों में सामंजस्य स्थापित करने में मालवीय जी की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। वाराणसी के हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक पंडित मदन मोहन मालवीय जी की प्रेरणा से ही ये विश्वविद्यालय शिक्षा का बड़ा केंद्र बना। वो सन 1909 और 1918 में कांग्रेस अधिवेशनों की अध्यक्षता कर चुके थे, किंतु सन 1932 में जब उन्हें अध्यक्षता करनी थी तो ब्रिटिश सरकार ने उन्हें पहले ही गिरफ्तार कर लिया। नेहरू जी ने मेरी कहानी में मालवीय जी के व्यक्तित्व के बारे में लिखा है, वो बड़े खुश मिजाज साथी थे, जीवनी शक्ति से भरे पूरे और हर बात में एक युवक की तरह दिलचस्पी लेने वाले। उन्हें किसी दूसरी जेल से नैनी भेजा गया था, हालांकि वो हमसे अलग दूसरी बैरक में रखे गए थे, लेकिन हम रोज उनसे मिलते थे और शायद बाहर की बनिस्पत वहां मैं उनसे अधिक परिचय कर पाया। मालवीय जी के गिरफ्तार होने के बावजूद भी सन 32 में पुरानी दिल्ली में घंटाघर के पास चांदनी चौक में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। अध्यक्षता की थी सेठ रणछोड़ दास अमृतलाल ने। इस अधिवेशन में पूर्ण स्वाधीनता को कांग्रेस का लक्ष्य बनाया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन का समर्थन किया गया। गांधी जी के नेतृत्व में विश्वास को फिर से व्यक्त किया गया और अहिंसा में विश्वास प्रकट किया गया। कांग्रेस का ये 47वां अधिवेशन ब्रिटिश हुकूमत की इच्छा के बावजूद भी संपन्न हो गया, किंतु शासन के दमन चक्र में कोई कमी नहीं आई। देश भर की जेलें भरी जा चुकी थीं, 80,000 से भी कहीं ज्यादा लोग गिरफ्तार किए जा चुके थे। लॉर्ड विलिंगडन ने तमाम समझौतों, बातचीत के मुद्दों और कांग्रेस से ब्रिटिश हुकूमत की समझदारी को ताक पर रखकर कांग्रेस को मिटा देने का फैसला कर लिया था।